Good afternoon, everyone. I welcome you all for today's second session, which will be delivered to us by Dr. Sumitra Singh, Principal Scientist, CSIRC, Pilani. We are all really glad to have you with us, ma'am. I request our FDP coordinator to present a bouquet of flowers to our esteemed guest. Now I feel honored to introduce you all to our resource person, Dr. Sumitra Singh. Dr. Singh is having over 16 years of research experience. She has published and presented more than 60 papers in reputed journals and conferences in the field of GAN and flexible sensors. Her area of interest includes graphene-based flexible electronics, nanobio sensor, organic semiconductor, thin film solar cells, group 3 to 5 semiconductor devices. Presently, she is working in the area of flexible electronics for human health monitoring and robotic application. Now, I request Dr. Singh to please address the audience with her enlightening words. Hello. नहीं मैं कर दूंगी कोई दिक्कत नहीं. So good afternoon everyone. First I would like to thank Rajesh Shekhawat for giving me opportunity so that I can share my work with all of you. So I am working in area of flexible electronics. तो सबको हिंदी समझ आती है यहाँ पे? कोई साउथ का नहीं है ना? हाँ, तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्चुअली हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? रिजिड इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंस्ट्रेंट्स थे. रिजिड इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई, सेमी एलईडी, सोलर सेल, इंटीग्रेटेड सर्किट, पहले इसी पे काम होता था. पर क्या है, जहाँ पे भी कर्व्ड सरफेसेस है या एयरक्राफ्ट है या पाइपलाइंस है या ब्रिजेज है, वहाँ पे अगर कोई लीकेज है तो हम उस पर रिजिड माउंट नहीं कर सकते, कर्व्ड सरफेस पे, 3D स्ट्रक्चर्स पे. तो इसीलिए हमें फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ी. वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल सेंसर्स लगा सकते हैं और कोई भी लीकेज है वो टाइमली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई. तो इसलिए फ्लेक्सिबल आजकल ट्रेंड में है. आप आगे देखोगे कि रिजिड में क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से. ऐसा नहीं है कि रिजिड सैचुरेट हो गया, आउटडेटेड हो गया. रिजिड पे भी लोग काम कर रहे हैं, पर फ्लेक्सिबल के बहुत सारे एडवांटेज हैं ओवर रिजिड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे. सो आई एम वर्किंग इन सीरी. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सीरी, देन अबाउट फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आई एम वर्किंग इन ग्रेफीन. ग्रेफीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर मटीरियल. Then graphene based flexible sensor, flexible strain sensor, then device fabrication, and in last light emitting diode. So सीरी में हमारे पास
सभी फैसिलिटीज एक रूफ के नीचे है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन, डिजाइन के बाद फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन के बाद उसकी टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद उसकी पैकेजिंग और लास्ट में उसका सर्किट। यानी हम कंप्लीट मॉड्यूल पूरा एक सीरी में बना सकते हैं, हमें कहीं कुछ आउटसोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास जो सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, यूनिक एक्सपर्टाइज अवेलेबल है सीरी में, टेक्निकल और साइंटिफिक मैन पावर है। सो व्हाट इज फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स? मेनली नोन एज फ्लैक्स सर्किट, इज अ टेक्नोलॉजी फॉर असेंबलिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाई माउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिवाइसेज विच कैन बी बेंट एंड स्ट्रेच, यानी मोड़ सकते हैं उसको या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मोस्टली पे बनती है, सभी को पता है सिलिकन वेफर्स पे बनती है, और वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, बल्की भी होती है। बट फ्लेक्सिबल डिवाइसेस उनको हम बेंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल डिवाइसेस है वो मेनली किन मटेरियल से बनती है? सॉफ्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, कंडक्टिंग पॉलीमर, हाइड्रोजेल, इन सब चीजों से बनती है, और या फिर सिलिकन है। जैसे सिलिकन को हम बहुत ज्यादा थिन करते जाएं, थिन करते जाएं, थिन करते जाएं, तो भी वो मेक स्टैंडर्ड मटेरियल थिन थिन कर देंगे तो वो भी फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी बताई दिया है इसकी डेफिनेशन। अब हम कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल वर्सेस फ्लेक्सिबल, कि कन्वेंशनल के, कन्वेंशनल मतलब रिजिड, तो रिजिड के रेस्पेक्ट में फ्लेक्सिबल का क्या एडवांटेज है? थ्रूपुट, जैसे हम देखें रिजिड का 0.1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, जबकि फ्लेक्सिबल का 60 मीटर स्क्वायर, नियरली 600 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू दैट रिजिड। और वेट वाइज भी रिजिड बल्की होती है, हैवियर होती है, वेयर एज फ्लेक्सिबल इज सिग्निफिकेंटली वेरी दैट लाइटर वेट। रिजिड इज ऑफ रिजिड नेचर एंड ब्रिटल, वेयर एज फ्लेक्सिबल इज ऑफ ड्यूरेबल नेचर। प्रोडक्शन वाइज भी रिजिड कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, लॉन्ग प्रोडक्शन रन है, वेयर एज फ्लेक्सिबल हैज शॉर्ट प्रोडक्शन रन। कॉस्ट वाइज भी में, क्योंकि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, वेयर एज फ्लेक्सिबल इज ऑफ वेरी लो कॉस्ट। फैब्रिकेशन इन रिजिड सोफिस्टिकेटेड फैब्रिकेशन इक्विपमेंट्स आर यूज, वेयर एज इन फ्लेक्सिबल सिंपल फैब्रिकेशन इज देयर। सो इसमें बताया गया है कि कौन से मटीरियल, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या है। तो रिजिड में हाई टेम्परेचर बेस्ड मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि सिलिकन हो गया, सिरामिक हो गया या फिर ग्लास हो गया। और इसमें फ्लेक्सिबल में लो टेम्परेचर बेस्ड मटेरियल यूज होते हैं, मेनली पॉलीमर या फिर इंक्स यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात करें तो रिजिड में फोटोलिथोग्राफी, फोटोलिथोग्राफी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना हुआ? फोटोलिथोग्राफी में मास्क पे क्रोम बेस्ड एक ग्लास प्लेट होती है, उस पे कोई पैटर्न है किसी भी शेप का, और वो हमारे वेफर पे हमें लाना है। तो यूवी लाइट एक्सपोज करा के हम मास्क रख देते हैं अप साइड में और देते हैं नीचे साइड में, तो यूवी लाइट आते तो जो भी मास्क का जो पैटर्न है वो हमारा वेफर पे आ जाता है, उसको फोटोलिथोग्राफी बोलते हैं। और कहाँ थी मैं, हाँ, फ्लेक्सिबल में हम डायरेक्टली कर सकते हैं प्लास्टिक पे, डायरेक्ट पेपर पे, फॉइल पे। तो ये एक इंकजेट प्रिंटर से आप पूरी डिवाइस बना सकते हो। और इसके फीचर्स की बात करें तो रिजिड में रिजिड होता है, ब्रिटल होता है, वेयर फ्लेक्सिबल में फ्लेक्सिबल होता है, और हम एक साथ लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। अब मैंने पहले, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर हम हाई एंड सेफ्टी एप्लीकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट वाली स्लाइड में आपने देखा होगा, इसमें ये दिखा रखे हैं, शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ये हमारी ब्रिज हो गई या पाइपलाइन हो गई, ये सब दिखा रखे हैं। अब इसमें क्या है, अगर क्योंकि ये हार्ड इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं,
ठीक है, तो हार्ड इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में वर्क करने से क्या होता है, इनमें जल्दी कोरोजन आ जाता है। कोरोजन आने के बाद अब अगर हम इनको टाइमली डिटेक्ट नहीं करेंगे कि कब कोरोजन आ गया, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पे पहले से ही फ्लेक्सिबल सेंसर माउंट है, इस पर रिजिड माउंट नहीं कर सकते क्योंकि इनका सरफेस जो है वो कर्वीलिनियर है, ठीक है, तो इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल माउंट करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल माउंट इस पर कर सकते हैं तो हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। सेम ये गैस वाला, सेकंड ये जब गैस है, गैस सेंसर अगर हम इसमें रूम में माउंट करते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सबने सुना ही होगा, पहले से अगर सेंसर माउंट है तो उसका लीकेज वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लेगा, तो हम कोई भी हैजा वो होने से, हार्म होने से बचा सकते हैं। सेम हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के लिए आपको बार बार बच्चे के मुंह में थर्मामीटर देने की जरूरत नहीं है, आप पैच बनाइए और बच्चे के यहाँ पे पैच डाल दीजिए, फ्लेक्सिबल पैच, वो बताता रहेगा कि कितना टेम्परेचर है। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल की टेक्नोलॉजी में मैंने ऑलरेडी बताया लो कॉस्ट है, काफी लार्ज एरिया एक साथ बना सकते हैं, और रैपिड फैब्रिकेशन, बहुत ही फास्ट फैब्रिकेशन है, थ्रूपुट इसका बहुत हाई है। थ्रूपुट समझते हैं, थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी एक्सपोज्ड पर यूनिट आवर, मतलब एक घंटे में आप कितनी डिवाइसेस बना सकते हैं। तो रिजिड के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल का थ्रूपुट बहुत ज्यादा है, और रिस्क अर्ली स्टेज में रिस्क डिटेक्ट कर सकते हैं और मिनी हैजार्ड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें मेनली तीन तरह के वो होती है, टेक्निक्स होती है फ्लेक्सिबल में, रोल टू रोल फोटोलिथोग्राफी या फिर लेजर एब्लेशन, या इंकजेट प्रिंटर से करते हैं, और एक स्क्रीन प्रिंटर से करते हैं, तीन है। तो तीन में बताया गया है फीचर साइज और थ्रूपुट। होता क्या है, हमें क्या चाहिए, फीचर साइज तो हमारा कम से कम हो और थ्रूपुट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, हमें ये चाहिए, वही अच्छा माना जाता है, फीचर साइज मिनिमम हो और थ्रूपुट ज्यादा हो। तो रोल टू रोल या लेजर एब्लेशन में देखेंगे तो फीचर साइज तो हमारा कम है पर थ्रूपुट भी कम है, जो कि हमें नहीं चाहिए। स्क्रीन प्रिंटिंग में देखेंगे तो थ्रूपुट तो बहुत अच्छा दे रही है पर ये जो फीचर साइज है ये भी बढ़ जा रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो है इंकजेट प्रिंटर, उसमें हमारा थ्रूपुट भी सही है, बीच का है, और ये फीचर साइज भी सही है। अब ये सब स्टेप्स जो ऊपर दिखा रखे हैं हमने यहाँ पे, ये रिजिड के हैं, रिजिड के लिए हमें ये सब स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं एक डिवाइस बनाने के लिए। मैं जैसे एलईडी का आपको एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मेरा गैलियम नाइट्राइड लाइट एमिटिंग डायोड पे भी काम किया हुआ है। तो गैलियम नाइट्राइड गैन एलईडी बोलते हैं उसको, गैन एलईडी के लिए सबसे पहले हम सफायर वेफर लेते हैं, सफायर वेपर लेके एक MOCVD होता है, मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन, उससे हम गैन इन गैन ग्रोथ करते हैं, गैलियम नाइट्राइड और इंडियम गैलियम नाइट्राइड ग्रोथ करते हैं, गैन इन गैन के मल्टी क्वांटम वेल बनाते हैं, ठीक है। गैन इन गैन ग्रोथ हो गई तो MOCVD से, उसके बाद क्योंकि पूरा एक साथ ग्रोथ हो गया, अब एक कॉन्टेक्ट P बनाना है, एक N बनाना है, एलईडी के लिए दो कॉन्टेक्ट चाहिए, तो दो कॉन्टेक्ट निकलेंगे नहीं, एक के लिए अपने को क्या नीचे जाना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्ट के लिए तो क्या होगा, एन गैन तक जाना पड़ेगा क्योंकि टॉप लेयर पी गैन की है। तो RI करते हैं, रिएक्टिव आयन एचिंग करते हैं, रिएक्टिव आयन एचिंग करने से पहले फोटोलिथोग्राफी करते हैं। फोटोलिथोग्राफी में हमें वो पोर्शन दिखाना होता है उसको कि यहीं से एच करे RI, ठीक है, तो उतना पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम RI करते हैं रिएक्टिव आयन एचिंग, वहां से गैन हटा देते हैं, एक कॉन्टेक्ट वहां बनता है, एक कॉन्टेक्ट पी पे बनता है। तो फोटोलिथोग्राफी यूज हो गई, RI रिएक्टिव आयन एचिंग यूज हो गई, और मेटल डिपोजिशन N और P कॉन्टेक्ट के लिए हमें मेटल डिपोजिशन के लिए E-beam ऑपरेशन होता है, वो इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो मेटल N कॉन्टेक्ट के लिए अलग मेटल होते हैं, टाइटेनियम एल्यूमिनियम निकल गोल्ड, और P के लिए निकल गोल्ड। तो ये सब स्टेप एक LED बनाने में यूज होते हैं, जबकि फ्लेक्सिबल में हम देखेंगे सिंपल आप एक इंकजेट प्रिंटर ले आओ, आप पेपर ले लो सिंपल, या कोई भी फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट कोई भी खरीद लो मार्केट से, और उस पर आप अपनी डिवाइस प्रिंट कर सकते हो, बस इतना सा काम होता है इसमें। और ये दिखा रखा है यहाँ पे
ये एयरक्राफ्ट जा रहा है, एयरक्राफ्ट के विंग पे जैसे फ्लेक्सिबल सेंसर माउंट है, तो हम इस ऐप से यहाँ पे बैठे बैठे ही देख सकते हैं कि उसमें कुछ क्रैक आ रहा है क्या, कुछ कोरोजन आ रहा है क्या, वो डिटेक्ट हो सकता है। इसी को IoT बोलते हैं। मार्केट में डिफरेंट फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन रिसर्चर्स रिक्वायरमेंट, रिसर्चर को किस पे काम करना है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सबस्ट्रेट चूज करेगा। तो सबस्ट्रेट के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, पॉलीमाइड होता है, पीक होता है, PES होता है, PEI होता है, PEN होता है, PET होता है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो PDMS है, पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो जिस पे जिसको मतलब सूट कर रहा है कि उसको क्या डिवाइस बनानी है उसके अकॉर्डिंग वो उसको चूज कर लेगा। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, पहले कहाँ थी, हमारे कमरों में, हमारे रूम्स में टेक्नोलॉजी थी, फोन देख लो, ये पुराना TV देख लो, ये सब हम अपने कमरों में रखते थे। उसके बाद कहाँ मूव हुई, हम कहाँ कैरी करने लग गए उनको, अपने बैग्स में रखने लग गए ये सब चीजें, फिर हम उनको अपनी इतनी छोटी हो गई वो हम पॉकेट्स में रखने लग गए, और आज वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे प्रोग्रेस कर ली उसने, वियरेबल, हम उसको क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉच देख लो, फ्लेक्सिबल फोन भी आने लग गए। ठीक है, अपना BP आप कितना दौड़ रहे हो सब डिटेक्ट करता है। तो ये जमाना अब अपना आ चुका है फ्लेक्सिबल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब गैप कहाँ है, सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी रिजिड है, पर बाय कॉन्ट्रास्ट अपनी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट, और सॉफ्ट तो है ही, कर्वी लीनियर, अपनी बॉडी भी कर्वी लीनियर है, कर्व्ड है, इस पे आप रिजिड माउंट ही नहीं कर सकते। आपको जैसे अपना रिस्ट अपनी वो देखना है यहाँ पे, मैंने हम लोगों ने भी रिस्ट पल्स सेंसर बनाया, आप रिजिड माउंट करके उसको मेजर नहीं कर सकते अपनी पल्स को। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फ्लेक्सिबल की तरफ स्विच करना पड़ेगा। इसकी डिफरेंट हर जगह ही एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, स्मार्ट कार्ड, वेरिएबल में, टॉयज में, टॉयज भी आने लग गए फ्लेक्सिबल, सोलर सेल में, फ्लेक्सिबल सोलर सेल बनते हैं उस पर भी मेरा काम किया, टॉयज में, टेक्सटाइल में, हर जगह, सिक्योरिटी में, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है। अब ये इसका मार्केट पोटेंशियल है फ्लेक्सिबल का, हम मार्केट पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली ग्रो, और इसमें ये बोला गया है कि जो ग्लोबल फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $87.21 billion बाय 2024 अगले साल ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट भी कैसे ग्रो कर रहा है, पर टेक्नोलॉजी वाइज इसमें अभी भी चैलेंज है, क्योंकि ये अभी नया नया ही कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाइज इसके चैलेंज क्या है, एक तो एनकैप्सुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसके अभी, एक रोल टू रोल मैन्युफैक्चरिंग को लो कॉस्ट तक कैसे लाया जाए, लार्ज एरिया की जब हम बात करते हैं तो लार्ज एरिया में स्केलेबिलिटी कैसे आए, एडेशन ऑन सबस्ट्रेट, हमें खुद को ये इशू आया था कि हम ग्रेफिन को कैसे हमारे फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट पे एडेशन करें, ग्रेफिन भी बना ली, सबस्ट्रेट भी बना लिया, पर वो ग्रेफिन का एडेशन नहीं आता उस, और रिलायबिलिटी ओवर टाइम, कुछ टाइम तक तो आपकी डिवाइस काम करेगी पर उसके बाद क्या, कितने साल तक वो करेगी, तो उसका रिलायबिलिटी, ये सब चेक, ये सब इश्यूज है जिस पर भी काफी काम चल रहा है। ग्रेफीन, इस मटेरियल पे मैं काम करती हूँ, सुना हुआ है किसी ने ग्रेफीन के बारे में, सुन रखा है क्या, ग्रेफीन वर्ल्ड्स फर्स्ट 2D क्रिस्टल, और कह सकते हैं कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये पता ही है, इसके लिए नोबल, इस ग्रेफीन का इन्वेंशन के लिए दो साइंटिस्ट को 2010 में नोबल प्राइज मिला था। सिंगल लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और कार्बन या ग्रेफाइट से बनता है, और ये थिनेस्ट एवर मटेरियल है, इसको वंडर मटेरियल भी कहते हैं क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर एक साथ है। तो ये दो साइंटिस्ट है, एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज करी इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, होता क्या है किसके दिमाग में कब क्या क्लिक कर जाए वो वाली बात है। इन दो साइंटिस्टों ने एक ग्रेफाइट का फ्लेक लिया, ठीक है,
और ग्रेफाइट हमारी पेंसिल में भी होती है, जो पेंसिल होती है उसमें भी ग्रेफाइट, उससे भी लोग ग्रेफिन बनाते हैं, सर्च करना तुम लोग, ठीक है। अब ग्रेफाइट का फ्लेक लिया और एक टेप ली, टेप पता ही है सब। अब उस टेप को प्रेस किया उन्होंने उस पे ग्रेफाइट पीस पे, प्रेस करा तो क्या हुआ, मोटा फ्लेक आया, वो भी आपकी ग्रेफिन नहीं मानी जाएगी, वो ग्रेफाइट ही चिपक के आया। अब उन्होंने फिर उसको ऐसे रोल किया, उस फ्लेक को दोबारा प्रेस किया, दोबारा ऐसे किया, दोबारा प्रेस किया, तो लास्ट में उनको क्या मिल गई, थिन, समझ रहे हो क्या बता रही, लास्ट में उनको थिन लेयर ऑफ ग्रेफिन मिल गई इस इन्वेंशन के लिए। और ये है छोटी सी बात, आज के दिन हमको छोटी सी बात लग रही है, 2010 में सिर्फ इतने से काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि सबको पता था कि ग्रेफिन एग्जिस्ट करती है, पर ग्रेफिन को बनाते कैसे हैं ये तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड की लेंथ है इनके बीच में 0.142 नैनोमीटर है, और सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफीन की जो थिकनेस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे थर्मल, चाहे मैकेनिकल, स्टील से 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ग्रेफीन। तो सारी प्रॉपर्टीज एक ही मटेरियल में आ गई, इसीलिए इसको वंडर मटेरियल भी बोला जाता है ग्रेफीन। कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी इन सबसे अच्छी है, 10^6 सीमा पर मीटर है, बाकी मटेरियल से अच्छी है कंडक्टिविटी इसकी। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी भी इसकी अच्छी है, इसकी मोबिलिटी की रेंज दिखा रखी है यहाँ पे, सिलिकन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, ये ओनली 2.3% ऑफ व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब करती है, यानी ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इतना सा लाइट, कम लाइट ही अब्सॉर्ब करती है। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, तो हीट डिसिपेट करती रहती है, ठीक है, अब्सॉर्ब नहीं करती। मैकेनिकल की बात करें तो इसकी बल्क स्ट्रेंथ 130 गीगा पास्कल है, जबकि स्टील की कुछ मेगा पास्कल में ही है, तो 200 टाइम इससे स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा है। तो ऑल इन वन प्रॉपर्टी, यानी सभी प्रॉपर्टी एक मटेरियल में आ गई, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, इसको वंडर मटेरियल बोलते हैं। ये सब मटेरियल से डिफरेंट है, लो कॉस्ट है, अबंडेंट है। अबंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अबंडेंट ग्रेफीन नहीं है, कार्बन है अबंडेंट, उससे बनाते हैं हम इसको, ठीक है। सिंपल फैब्रिकेशन टेक्निक है, केमिकली भी इनवर्ट है और थर्मली भी काफी स्टेबल है। इसके काफी सिंथेसिस के यहाँ पे मेथड बता रखे हैं, मैकेनिकल, जो मैंने टेप वाला मेथड बताया ना वो मैकेनिकल एक्सफोलिएशन के अंडर आता है, ठीक है। और लिक्विड फेस एक्सफोलिएशन होता है, सीवीडी, सीवीडी तो एक इक्विपमेंट होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, MNIT जयपुर में है और भी कई जगह, वहां से डायरेक्ट वो ग्रेफीन ग्रो करते हैं उस इक्विपमेंट से, सिंगल लेयर ग्रेफीन। हम लोग जो करते हैं वो सिंगल लेयर नहीं बना पाते हम लोग। तो ये सारे ग्रेफीन के सिंथेसिस के मेथड्स यहाँ पे बता रखे हैं, ये उसके कैरेक्टराइजेशन के टूल हैं कि हम ग्रेफीन के को वो देखना चाहें कि कैसी दिख रही है, हेक्सागोनल आ रहा है क्या, ये सब टूल्स हैं। रमन से हम उसकी पीक्स देख पाते हैं, तीन पीक आती है इसमें, D, G और 2D। डी डिफेक्ट होती है, जी से कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की वजह से आती है, और 2D फोनोन एमिजन की वजह से आती है। तो ये ग्रेफीन की एप्लीकेशंस है, सोलर सेल में यूज करते हैं लोग, LED में यूज करते हैं, ग्रेफीन बेस्ड बायो डिवाइसेस बना रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है। अब मेरे पास एक CSIR का प्रोजेक्ट था 2018 से 2020, मैं सीरी में क्या काम कर रही हूँ वो अब मैं उस, ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा था अभी तक, तो वो प्रोजेक्ट मेरा इस पे था, GNP बेस्ड ग्रेफीन नैनोप्लेटलेट बेस्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रेन सेंसर फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले सबस्ट्रेट बनाते हैं, फिर ग्रेफीन की सिंथेसिस करते हैं, और फिर उस ग्रेफीन को सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करते हैं। सबस्ट्रेट के लिए करते हैं क्यूरिंग एजेंट और इलास्टोमर बेस, इन दोनों मिक्स करते हैं, रेशो लेते हैं 1:10। फिर उसके बाद इसको वैक्यूम डेसिकेटर में रखते हैं ताकि जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बबल जनरेट हो जाते हैं, तो बबल रिमूव के लिए 3-5 मिनट तक रखते हैं इसको। फिर
वो जो मिक्सचर था वो सिलिकॉन वेफर पे पोर करते हम, ठीक है। पोर करने के बाद उसको 1 आवर तक 80 या 95 डिग्री सेल्सियस तक बेक करते हैं ओवन में। बेकिंग के बाद जब वो हार्ड हो जाता है तो उसको सिलिकॉन वेफर से हम पील ऑफ कर लेते हैं। पील ऑफ करके आपको जिस भी शेप में उसको काटना हो, आपको सर्कुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, आप काट के अपनी जैसे यहाँ के लिए चाहिए तो बैंड बना सकते हो, रिस्ट के लिए पल्स देखनी है तो ये यहाँ पे दिखा रखा है पीडीएस, ये क्रिस्टल वाइट ट्रांसपेरेंट जैसा जो दिख रहा है ना, ये इस तरह का पीडीएमएस बन जाता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हम ग्रेफीन की सिंथेसिस करते हैं सीरी में ही। तो ग्रेफीन की सिंथेसिस के लिए आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना यहाँ पे, समझ आ रहा है? ऐसा मैं बोलने जा रही, पता चला कुछ इंटरेस्टिंग। ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सफोलिएशन मेथड है, इसमें 2 ग्रेफाइट शीट्स लेते हैं हम, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फेरस सल्फेट लेते हैं। फेरस सल्फेट 15 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर DI वाटर में मिलाते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। 2 ग्रेफाइट शीट लेते हैं, फिर 10 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाते हैं। पावर सप्लाई लगाने के बाद क्या होगा, जो फ्लेक्स हैं वो एक्सफोलिएट होना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है फ्लेक्स, ये एक्सफोलिएट होने शुरू हो गए, ये एक्सफोलिएट होके यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हम इसको HCl से इसको क्लीन करते हैं उन फ्लेक्स को, ताकि जो Fe2+ का जो रेसिड्यू था आयरन का वो निकल जाए। तो HCl से क्लीन करके वो Fe2+ ग्रीन ग्रीन कलर आना बंद हो जाता है, तब हम उसको छोड़ देते हैं कि Fe2+ हट गया। फिर उसके बाद जो मेरे पास आया ये क्या है, ये ग्रेफीन नहीं है अभी भी, ये है थिक थिक मल्टी लेयर ग्रेफीन बोल सकते हैं इसको, मल्टी लेयर ग्रेफीन। अब हमें ग्रेफीन इंक बनाने के लिए क्या करते हैं, टी चाय पत्ती लाते हैं घर से, पानी लाते हैं हीटर पे, चाय पत्ती को बॉयल करते हैं, चाय पत्ती छान के फेंक देते हैं, टी का सॉल्यूशन हो गया। उसमें इस ये जो फ्लेक्स हैं, ये वाले फ्लेक्स चाय पत्ती के सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं और इसका अल्ट्रासोनिकेशन करते हैं 10 घंटे तक। 10 घंटे तक अल्ट्रासोनिकेशन करने से जो वो माइक्रोस्ट्रक्चर ग्रेफीन थी वो कन्वर्ट होके कम्प्लीटली ग्रेफीन इंक में बन जाती है। अब मुझे कैसे पता चला कि बन गई, इसके लिए करेक्टराइजेशन टूल होते हैं, रमन कराया, FSM कराया, रमन की पीक देख के मुझे पता चल गया हाँ मेरी ग्रेफीन बिल्कुल सही बन गई। इसकी ट्रांसफर की टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है, अलग अलग लोग, प्रिंटिंग फैसिलिटी सीरी में है नहीं, प्रिंटिंग से लोग करते हैं। हम स्पिन कोटर से सबस्ट्रेट रख दिया और हमारा जो ग्रेफीन इंक उस पर डालते हैं और RPM जितना आपको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर सबस्ट्रेट पे वो अपना ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये रमन से पता चल रहा है ग्रेफीन आ गई, यहाँ पे दिख रहा है, और ये सैम से भी पता चल रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे RPM पे दिखा रखा है। तो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म जो दिख रहा है ये 1200 RPM पे आ रही है, बाकी जगह ज़्यादा मोटे मोटे फ्लेक्स दिख रहे हैं ग्रेफीन। अब ये यहाँ पे दिखा रखा है GNP डिपोजिशन ऑन फ्लेक्सिबल PDMS, तो ये जो ट्रांसपेरेंट बाहर की तरफ दिख रहा है आपको हल्का हल्का वो तो PDMS था, और जो ये ब्लैक आ गई ये ग्रेफीन आ गई। और यहाँ पे स्ट्रेच करके भी इसको दिखा रखा है कि कितना स्ट्रेच करते हैं, 65% स्ट्रेच करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, 65 तक इसको स्ट्रेच कर सकते। तो ये हमारी रमन है और ये हमने इस पे फर्स्ट इमेज सिंपल GNP की है, सेकंड इमेज हमारी GNP PDMS पे ट्रांसफर करी उसकी है, थर्ड हमारी कार्बन फाइबर की है, और ये जूम इमेज है मैग्निफिकेशन कार्बन फाइबर की। इस कार्बन फाइबर पे भी हमने ग्रेफीन डाल के देखी।
PDMS लिया, उस पर ग्रेफिन ली, उसके बाद दो कॉन्टेक्ट निकाले, हमारा सेंसर बन गया। ठीक है, अब सेंसर की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए ये जो स्टेज है ये सीरी की वर्कशॉप से हमने बनवाया है, ये स्टेज। यहाँ पे हम हमारा सेंसर फिक्स कर देते हैं और साइड से इसको स्ट्रेच करते हैं, ये स्क्रू गेज टाइप है, साइड से यहाँ से स्ट्रेच करते हैं तो सेंसर स्ट्रेच होता है और हमें ये भी पता चलता है कितना स्ट्रेच है। तो स्ट्रेच के रेस्पेक्ट में हम रेजिस्टेंस चेंज देखते हैं जो कि यहाँ इस ग्राफ में दिखा रखा है, उससे फिर हम गेज फैक्टर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। तो गेज फैक्टर हमारा ये आ रहा था। फिर हमने क्या किया, अब मैंने तुम लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, हमने पल्स डिटेक्ट करके देखी थी। तो हम लोगों ने सिर्फ पीडीएमएस पे नहीं, कितने चार सबस्ट्रेट पे ग्रेफिन को ट्रांसफर किया था, पीडीएमएस पे, पीईटी पे, ये भी फ्लेक्सिबल ही होता है, पॉलीथाइलीन टेराथलीट पीईटी, पॉलीमाइड पे और कार्बन फाइबर पे। तो इन चारों में से जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा था वो पीडीएमएस ही था। ठीक है, पीडीएमएस पे पीक सबसे अच्छी दिखाई दे रही थी। और तीन तरह की हमारी ह्यूमन पल्स की पीक होती है, परकशन, टाइडल और डाइक्रोटिक, वो तीनों ही हमारी गूगल पे तुम लोग देखना जागे, और तीनों पीक हमारी अच्छी तरह डिटेक्ट हो रही है। ये जूम में दिखा रखा है, देखो तीन तीन पीक दिख रही है। यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है, ये रिस्ट पल्स सेंसर जो कि हमने सीरी में फेब्रिकेट किया, पी टी और डी, ये तीनों पल्स दिख रही है। फिर हमने बैंड टेस्टिंग करी, उसको हमने हमारे सेंसर को फिंगर पे माउंट कर लिया और अलग अलग एंगल पे बैंड किया, 30, 60, 90, तो डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स पे रेस्पॉन्स दिखा रहा है। अब होता क्या है, जैसे अगर आपका बेंडिंग एंगल ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस चेंज ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, लेंथ चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ये लेंथ अगर बढ़ रही है तो आपका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ेगा। फिर उसको एज ए हमने टच सेंसर, ये जो ये यहां जो दिखाया वो होता है हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के लिए। पल्स देखी, हमारा एक सेम सेंसर कितनी एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है वो बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो देखी वो थी हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, मेरी पल्स कैसी वो दिखा रहा है। यहाँ जो मैंने देखी वो थी रोबोटिक एप्लीकेशन के लिए, रोबोटिक्स में काम आता है, अगर आप बैंड करके देख रहे हो और वो उसको रेस्पोंड कर रहा है तो रोबोटिक एप्लीकेशन के हिसाब से मेरा सेंसर काम कर रहा है। और थर्ड एप्लीकेशन मैंने देखी उसकी टच करके, सेम सेंसर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है, उसको टच कर रही हूँ उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो एज ए टच सेंसर यानी डिस्प्लेज में आप उसको लगा सकते हो, टच करते ही उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो अलग अलग टैपिंग टाइम मैंने 1 रखा 1.5 रखा 5 रखा, तो अलग अलग टैपिंग के हिसाब से वो रेस्पॉन्स चेंज आ रहा है। और देखने में आप सब लोगों को बहुत छोटा काम लग रहा होगा, पर इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने इसी काम को IEEE सेंसर में पब्लिश किया, तो IEEE वाले ऐसे तो पब्लिकेशन करते ही नहीं है, कुछ तो हुआ ही होगा। फिर हमने क्या किया, वो सेंसर था उस सेंसर पे हमने एक चीटी लाके रख दी। ठीक है, क्यों रखी, वो चीटी के मूवमेंट को भी रेस्पॉन्स कर रहा था, यानी उसकी सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है ये देखने के लिए। चीटी तो कितनी हल्की होती है, तो चीटी उसमें अगर घूम रही इधर उधर तो वो रेस्पॉन्स दिखा रहा था, तो यानी हमारा सेंसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना था, उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी थी। फिर हमने ग्रेफिन अपनी टेप, जो सिंपल टेप होती है, उस पर ट्रांसफर करके देखी, टेप पे भी अच्छा काम कर रही थी वो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिसर्चर है उनका कंपैरिजन दिखा रखा है, सबसे लास्ट वाला जो टेबल है मतलब रो है उसमें हमारा सेंसर, तो हमारा सेंसर औरों से ठीक है, गेज फैक्टर काफी अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं। फिर सेकंड काम जो हमने, ये हमारा एक काम हो गया, अब सेकंड काम पे आ रही हूँ मैं, जिसमें हमने ग्रेफिन की जगह CNT का नाम सुना होगा, हाँ कार्बन नैनोट्यूब, तो कार्बन नैनोट्यूब पे काम करके देखा। तो इस पे हमने बनाया फ्लेक्सिबल सेंसर बेस्ड ऑन मल्टी वॉल CNT ओब्लिक PDMS कंपोजिट फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक स्कैन यानी ई स्कैन एप्लीकेशन। तो इसकी सेंसिटिविटी की रेंज यहाँ दिखा रखी है,
इस रेंज में, यानी कि बहुत अच्छा सेंसिटिविटी दे रहा था, और प्रेशर जिस रेंज में प्रेशर अप्लाई कर रहे वो भी दिखा रखा है 0.1 किलो पास्कल से 100 किलो, उसके बाद वो लीकेज हो रही थी। हाँ, 100 किलो पास्कल के बाद उसमें लीकेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, यहीं तक दे पा रहे थे। और वैसे भी हमारा जो फ्लेक्सिबल सेंसर होता है वो लो प्रेशर के लिए काम करता है, हाई प्रेशर के लिए काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस दिखा रखा है, जो मल्टीवॉल सीएनटी है और ये टीएचएफ हमने लिया, इसके अंदर मिक्स करी, यहाँ पे मैकेनिकल स्टीरिंग करी, उनकी अल्ट्रासोनिकेशन करी, फिर उसके बाद लास्ट में हमने उस पीडीएमएस मिक्स करा, तो इस तरह से ये बन गया। और ये जो दो वायर दिख रहे हैं यहाँ से, ये कॉन्टेक्ट निकाले, ये उसकी सेम इमेज है, फिर सेम इमेज। तो यहाँ से पता चल रहा है आपकी सीएनटी ऑब्जर्व हो रही है, ये जो पतली पतली लंबी लंबी लाइन दिख रही है ना, ये हमारी सीएनटी है, कार्बन नैनो ट्यूब। नाम ही नहीं सुना हुआ क्या आज तक सीएनटी का? फिर ये मोल्ड है, ये मोल्ड बनवाए हमने इस तरह के, ये मोल्ड क्या अंदर से होलो है, इसमें फिर हमने बीच में सीएनटी डाली, मतलब ये यहाँ पे गैप है इसके अंदर, अब ये ब्लैक इसके ऊपर फिल किया गया बाद में, ठीक है। ये टेंसाइल टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट है, ये सीरी में, इससे हमने इसकी टेंसाइल टेस्टिंग करी। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, हमने पीडीएमएस, मैंने बताया था हम पिछले वाले पेपर के लिए 10:1 पीडीएमएस लिया था रेशो, इसमें हमने पीडीएमएस का जो इलास्टोमर है वो चेंज किया है, 5:1, 10:1, 15:1, 20। तो किस में बेस्ट आ रहा है, मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट ये इस वाले में दे रहा है 20, ये यहाँ तक जाके इसकी स्ट्रेचिंग है, मतलब इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं उसके बाद ये ब्रेक होता है, इससे ये पता चल रहा है। और ऐसे सीएनटी के वेट परसेंटेज चेंज कर रखे हैं, तो 10 वेट परसेंटेज में सबसे अच्छा यंग मॉडुलस बताता है और सबसे अच्छी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीएनटी 10 में यंग मॉडुलस भी बहुत अच्छा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये भी बहुत अच्छी है। तो सीएनटी का भी वेट परसेंटेज चेंज करा है, पहले 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 लिया। ये लोडिंग अनलोडिंग साइकिल है, इसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस हमारा यूनिफॉर्म आ रहा है, आप देख रहे हो पीक नीचे नहीं जा रही, बीच में एकदम बराबर यूनिफॉर्म आ रहा है हर साइकिल के लिए। फिर ये हमारा, ये एक इसको TO8 हेडर बोलते हैं, इसके अंदर हमने हमारा वो फ्लेक्सिबल जो सेंसर है वो पैकेज किया, यहाँ पे दोनों तरफ से होलो है ये, यहाँ मैंने माउंट कर दिया, पीछे से मैं प्रेशर डाल रही हूँ, कोई गैस फ्लो करा रही, ठीक है। तो गैस फ्लो कराने के बाद 100, मैंने जैसा बताया 100 किलो पास्कल तक ये अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद इसमें लीकेज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग सीएनटी वेट परसेंटेज के हिसाब से, 10 वेट परसेंटेज में सबसे हिस्टेरिसिस इसमें कम है और 10 वेट परसेंटेज में सबसे अच्छा ये दिखा रहा है। अब सेंसिटिविटी की बात करें तो 10 वेट परसेंटेज में हायर सेंसिटिविटी है, और सेम इस वाले सेंसर से भी हमने रिस्ट करके देखी तो ये भी इसमें तीनों पीक दिखा रहा है पल्स की हमारी, और ये भी हमने IEEE ट्रांजेक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइस इसको भी हमने पब्लिश किया। ये लोगों से कंपेयर कर रखा है, लोगों ने ये काम कर रखा है, और जो हमारा वाला सेंसर है दिस वर्क, ये आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग रेंज, तो ये है प्रेशर की और ये जो है ये इतना है सेंसिटिविटी। अभी मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है, वो है रोबोटिक एप्लीकेशन के लिए, मेरे हैंड पे मैं सेंसर वियर करूंगी और एक आर्टिफिशियल हैंड होगा, वो मेरे हैंड के अकॉर्डिंग मैं जैसे जैसे मिमिक कराऊंगी वो मिमिक करेगा, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमने कुछ काम स्टार्ट किया है, इस पर भी हमने एक पेपर डाला है, वो पेपर एक्सेप्ट हो चुका है अभी, तो ये उसी का काम है कुछ।
ये पहले ही बता दिया, ये पीडीएमएस बनाने के सारे स्टेप हैं, पीडीएमएस बनाते हैं हम, लास्ट में पील ऑफ करा हुआ ये वाइट सा दिख रहा है, ये है पीडीएमएस हमारा ट्रांसपेरेंट सा। इसमें क्या हमने क्या किया, तीन अलग अलग तरह के कंपोजिट लिए, एजी नैनो वायर, मल्टी सीएनटी और पीडीएमएस। एक तो ये हो गया, एक हमने लिया ग्रेफी जीएनपी और पीडीएमएस, और एक में एजी जीएनपी ग्रेफीन एजी जीएनपी और पीडीएमएस, ऐसे तीन तरह के वेरिएशन करे। और ये आप देख रहे हो वैसे ही तीनों तरह के, तीन पिक्चर्स नहीं बनाए, एक ही पिक्चर बनाया, पर मेथड यही इसी तरह का फॉलो किया जो यहाँ पे दिखा रखा है। पहले ये लिया, फिर अल्ट्रासोनिकेशन किया, फिर पीडीएमएस इलास्टोमर मिलाया, फिर मैकेनिकल स्टीयरिंग करी, फिर लास्ट में क्यूरिंग एजेंट मिलाया। फिर हमने, हमारी सीरी में वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप से ही हमने मास्क बनवाया, ठीक है, ये मेटल मास्क है हमारा, और ये आप देख सकते हो मैंने जो तीन कंपोजिट बताए थे, ये तीन तीनों कंपोजिट के यहाँ पे सेम दिखा रखे, ये सी एन टी का है जिसमें सी एन टी थी, ये जी एन पी पी डी एम एस का है, और इसमें सिल्वर जी एन पी, इसमें सिल्वर के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं साथ। ये उन तीनों कंपोजिट्स के अलग अलग रमन पीक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीक से पता चल रहा है तीनों के बारे में। फिर ये हमने इसकी स्ट्रेचिंग, वही वो जो हमारा स्टेज था उसे स्ट्रेचिंग करके देखा, तो सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे गेज फैक्टर इस वाले में दे रहा है जिसमें सिल्वर है जीएनपी और पीडीएमएस है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ग्रेफीन क्या है, पोरस होती है, तो सिल्वर पार्टिकल वो है उसके अंदर पोरस ग्रेफीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कंडक्टिविटी बढ़ती है उसकी, कंडक्टिविटी बढ़ने से टनलिंग, इलेक्ट्रॉन की टनलिंग अच्छी होती है, तो इसलिए हमारा सबसे अच्छी गेज फैक्टर इस वाले में हमारा ये रेस्पॉन्स दे रहा है। फिर अब वो जो सेंसर बनाया उसको मास्क पे पहन लिया, और इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग टेस्ट गया, डीप ब्रीदिंग में देख रहे हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग में देख रहे हैं। अब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल हल्की हल्की ब्रीदिंग करें और एक बहुत ज्यादा अंदर लें। अब डीप ब्रीदिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग में रेस्पॉन्स ऐसा क्यों आ रहा है, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा, सेंसर ज्यादा स्ट्रेच होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा तो वही रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा तो इसमें वो लेंथ चेंज होगी ज्यादा, तो इसमें डीप वाले में वो हमारा वो रेजिस्टेंस चेंज ज्यादा दिखा रहा है, नॉर्मल में कम दिखा रहा है। फिर इससे हमने रेस्पॉन्स और रिकवरी टाइम देखे तीनों कंपोजिट के, तो तीनों कंपोजिट रेस्पॉन्स और रिकवरी टाइम समझते हो क्या सेंसर का, बताओ कोई बताएगा क्या होता है रेस्पॉन्स और रिकवरी टाइम सेंसर का, सेंसर पढ़ रखा है किसी ने, क्या होता है, क्या होता है सेंसर बताओ, हाँ ओरिजिनल, हाँ आपका वो ओरिजिनल स्टेट में आपका आ गया रिलीज टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेस्पॉन्स टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये रेस्पॉन्स टाइम है, और यहाँ ये दोबारा नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है वो वाला टाइम है, रिकवरी टाइम है, रेस्पॉन्स और रिकवरी, हाँ ये जो लाइंस बता रखी है उससे पता चल रहा है। तो सबसे अच्छा वो जो मैंने लास्ट वाला कंपोजिट बताया था उसी में रेस्पॉन्ड भी जल्दी कर रहा है और रिकवरी भी जल्दी कर रहा है। फिर हमने टैपिंग टेस्ट करके देखा, इसमें टैप 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 प्रेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, तो प्रेस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, घट रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है उसमें, कंप्रेशन हो रहा है तो लेंथ कम हो रही है, ठीक है। या फिर इसको अलग वे में समझे तो ऐसे भी कह सकते हैं, इस वे में भी कह सकते हैं इसको कि ग्रेफीन जब आप कंप्रेस उसको प्रेस कर रहे हो तो ग्रेफीन पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इस वे में भी समझ सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं
ये हमारा सबसे लास्ट वाला काम है और ये गेज फैक्टर इसमें इतना आ रहा है। ये पेपर भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, तीन पेपर हमने फ्लेक्सिबल पे अभी करे हैं। और इससे पहले मैं एलईडी पे काम करती थी, तो एलईडी फ्लेक्सिबल तो मैंने नहीं बनाया, पर मैंने क्योंकि मैं एलईडी पे काम करती थी तो मैं मेरी ग्रेफिन का कैसे यूज़ करूँ, तो मैंने मेरी ग्रेफिन को एलईडी पे भी डाल के देखा। ठीक है, डालना चाहिए ना कुछ कुछ। ये आज पाल सर एलईडी बता ही गए होंगे, आप लोगों बता गए ना। ये एलईडी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एन कॉन्टेक्ट होता है, एक पी कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, एलईडी और सोलर सेल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बताओगे क्या एलईडी और सोलर के बारे में? हाँ, एमिट करता है। तो अब आप हमको, हमने यहाँ पे देखा कि करंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक जगह आके, या टेम्परेचर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक जगह आके इकट्ठा हो जा रहा है, हमारी एलईडी गर्म हो जा रही है। ठीक है, अब उसकी जगह अगर मैं ग्रेफीन करंट स्प्रेडिंग ले यूज करूंगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सब मेरे सिमुलेशन के रिजल्ट हैं, ये फेब्रिकेशन के नहीं है। सिमू एलईडी करके एक सॉफ्टवेयर है, उससे मैंने काम किया है। तो इश्यूज क्या आ रहे हैं इसमें, सीवियर करंट क्राउडिंग एट हाई करंट पे जब एलईडी को वर्क करेंगे तो करंट एक जगह क्राउड हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म करंट स्प्रेडिंग रिजल्ट्स इन ओवरहीटिंग इन द एक्टिव रीजन व्हिच कॉजेस हीटेड जंक्शन एंड हीटिंग इन जंक्शन इंक्रीजेस सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी। ये सब इश्यूज हैं इसमें। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, या तो आप करंट स्प्रेडिंग लेयर यूज करो या लार्जर पी इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि मैं ग्रेफीन पे ही काम करती थी तो मैंने मेरे सॉफ्टवेयर में ग्रेफीन एज ए करंट स्प्रेडिंग लेयर डाल दी। ठीक है, उस ये प्रॉपर्टी मैंने पहले डिस्कस करी, ग्रेफीन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, केमिकली स्टेबल होती है, हाईली थर्मली भी काफी स्टेबल होती है। तो यहाँ ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है आपको, हेक्सागन दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक ब्लैक, इस पोर्शन में मैंने करंट स्प्रेडिंग लेयर एज ए ग्रेफीन डाली है, ये वाला पोर्शन। तो ये करंट आप देख रहे होंगे जो ऊपर क्राउड हो रहा था यहाँ पे एक जगह, ये अब स्प्रेड हो रहा है। और यहाँ भी इससे भी पता चल रहा है आपको कि करंट स्प्रेड हो रहा है, ये देखो यूनिफॉर्मली, और वहां पे एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, और लोग पहले कन्वेंशनल एलईडी में लोग आईटीओ यूज करते थे, करंट स्प्रेडिंग इंडियम टिन ऑक्साइड, उसकी जगह मैंने ग्रेफीन यूज करी। तो इससे करंट स्प्रेडिंग बेटर आ रही है क्योंकि लाइट ये कम ट्रैप, ग्रेफीन ट्रांसपेरेंट होता है, वो लाइट 2.3% ही अब्जॉर्ब करता है, ट्रैप नहीं करता। तो लाइट तो मुझे तो भारी चाहिए ना एलईडी में, इसलिए लाइट आउटपुट पावर मेरा ज्यादा आ रहा है इसमें जब मैं एलईडी ले रही हूँ। तो सेम वाल्व प्लग एफिशिएंसी, वाल्व प्लग एफिशिएंसी क्या है, रेशो ऑफ एमिटेड लाइट आउटपुट पावर, आपकी लाइट आउटपुट पावर है और डिवाइड में किसका रेशो, इलेक्ट्रिक इनपुट अपॉन आईवी आप कितना दे रहे हो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसमें भी ग्रेफीन के साथ मेरा ये रिजल्ट बेटर आ रहा है। ट्रांसमिटेंस देखते हैं आईटीओ और इसके रेस्पेक्ट में, तो आईटीओ 90.68 ही दे रही थी और ग्रेफीन जो है ट्रांसमिटेंस 96 दे रही है। और किस पे एट फोर, हम लोग जो काम करते हैं ब्लू एलईडी पे करते हैं, ब्लू एलईडी मतलब 460 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, और ब्लू के बाद में हम उसको व्हाइट बनाते हैं फॉस्फोर उस पर डाल के। ये एलईडी के फैब्रिकेशन स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको आज मेरा प्रेजेंटेशन चालू हुआ था तब बताए थे। देख लो एलईडी बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, दिखा फोटो भी दिखा रखी मैंने इक्विपमेंट ही, MOCVD लगता है, फोटोलिथोग्राफी लगती है, रिएक्टिव आयन एचिंग लगती है, जबकि हमारे फ्लेक्सीबल में ये सब कुछ नहीं लगता। कितनी आसान तरीके से हम डिवाइस बना पाते हैं फ्लेक्सीबल में। तो ये एलईडी का पहले हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं, फिर MOCVD से ग्रोथ करते हैं, फिर फैब्रिकेशन करते हैं, फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं कि रिजल्ट सही दे रहा है क्या। अगर रिजल्ट सही दे रहा है तो ठीक है, वरना ये लूप फिर से चालू हो जाता है। ये बताया था मैंने, ये सफायर सबस्ट्रेट लेते हैं और ये जो लेयर्स ग्रो है ना, ये MOCVD से होती है सारी लेयर ग्रो। पर क्या होता है,
होता क्या है, ये इस तरह का नहीं बना हुआ होता, ये ऐसे करके आ रहा है, ऐसा नहीं बना होता, ये पूरा ऊपर तक बना होता है। अब नीचे जाना है, नीचे जाना है ना मेरे को, नीचे जाना तो एचिंग करनी पड़ेगी, आ रहा है समझ में? वो मैंने ऐसे कट दिखाया, वो कट नहीं होता, वो पूरा ऊपर तक बना हुआ है, ठीक है। और मेरा एन गैन यहाँ है, मेरे को एक कॉन्टेक्ट यहाँ लेना है, जबकि मेरा टॉप लेयर पी गैन तक, वो पूरी पी गैन तक है, एक कॉन्टेक्ट एन गैन जाना है, कैसे जाऊंगी? एचिंग करनी पड़ेगी, रिएक्टिव आयन एचिंग। अब मुझे क्या पता कि एचिंग यही करेगा, उसके लिए लिथोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके लिए मास्क बनाना पड़ेगा, मास्क में पैटर्न बताना पड़ेगा कि मेरे को एन गैन का एच करना है, तो एन कॉन्टेक्ट एक यहाँ बना, एक पी का कॉन्टेक्ट बना, ठीक है। और इनमें जो अपन एन और पी में पावर सप्लाई देंगे ना, तो लाइट हमारी क्या होगी, एमिट होगी। अब सिंपल कॉन्टेक्ट भी बनाते हैं लोग, इंटर डिजिटेड भी बनाते हैं, हम लोग इंटर डिजिटेड बनाते हैं। इंटर डिजिटेड का फायदा क्या है, सिंपल कॉन्टेक्ट मान लो सर्कुलर कॉन्टेक्ट है, तो करंट का पाथ क्या होता है, पी टू एन, पी से एन की तरफ जाके, एन पे जाके क्या होगा, करंट क्राउड हो जाएगा, क्राउड होने से क्या होगा, वो हीट हो जाएगा, वहां पे आई स्क्वायर हीट हो जाएगा। और अगर आप इंटर डिजिटेड ऐसे बना रहे हो, एक कॉन्टेक्ट आपका पी ए ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला ऐसे जा रही है इंटर डिजिटेड, तो आपका पाथ क्या होगा, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर और उधर, एक जगह क्राउड नहीं होगा, इसीलिए इंटर डिजिटेड स्कीम लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो दिख रहा है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 0.85 सेंटीमीटर। LED बनाते हैं हम, देख लो इतने सैंपल में एक साथ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू LED बनाते हैं, सिंगल कॉन्टेक्ट है जो मैंने बताया, और ये सिंगल टाइप कॉन्टेक्ट है, ये मेरा सिमुलेशन वर्क था, मैंने इसमें ग्रेफीन डाल के देखी थी, तो ग्रेफीन से मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि काफी अच्छे रिजल्ट आ गए। तो इस सिर्फ सिमुलेशन पे भी LED में ग्रेफीन घुसा के मैंने 2 पेपर पब्लिश किए थे, ठीक है, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये दोनों सिमुलेशन के हैं, मतलब डिजाइन के ही, फेब्रिकेशन नहीं किया था मैंने। और ये लास्ट में जो LED, एक्चुअली फेब्रिकेशन प्रोसेस अलग होता है, फ्लेक्सिबल LED बनाने का फैब्रिकेशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है, हमारी पास ऑलरेडी बनी हुई LED थी, उसी में मैंने ग्रेफीन डाल के देखी थी, तो ये विदाउट ग्रेफीन थी और ये विद, तो आप देख सकते हो इसकी इंटेंसिटी काफी अच्छी है। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैडम PDMS, बिकॉज व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ PDMS तो सरफेस इज नेवर बी अ स्मूथ, इट मे बी बॉटम सरफेस और इट मे बी अ टॉप सरफेस, नहीं स्पिन कोटिंग से करते तो स्मूथ आता है, जैसे अगर मैनुअली करोगे ना तो स्मूथ नहीं आएगा, हम स्पिन कोटर से करते हैं, तो जो बॉटम है वो भी ऐसा फ्लेक्सिबल सा आता है, ऐसे मतलब पैटर्न्स बनते हैं, नहीं स्पिन कोटर में स्मूथ सरफेस आता है, जब आप मैनुअली करोगे, मैनुअली करते हैं तो वो तो 100% आता है, तब आता है, तब आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं आती उसमें, पहले हम मैनुअली करते थे, आजकल हम स्पिन कोटर से करते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि नॉर्मली हम जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं CNT के लिए, तो जो साइज ऑफ CNT है तो उसका साइज टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कहीं मैटर करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मली हम जब CNT फैब्रिकेट करते हैं या किसी भी डिवाइस के लिए बात करें, तो CNT बनेगा, जो नैनो ट्यूब्स बनेंगे तो उसकी वो चेंज होगी, उसकी साइज चेंज होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेंज होगी साथ में, हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ चेंज होगी, वेट परसेंटेज से दिखा रखा है यहाँ पे, वेट मैं दिखाती हूँ तुम्हें,
जब आप CNT का वेट परसेंटेज अलग ले रहे हो तो यंग्स मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही चेंज है। हाँ यही पे कहीं पे टेबल है, ये जो है ये वेट परसेंटेज 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें ये दोनों वेरी कर दी। एक और क्वेश्चन साथ ही पहला ही पूछ लेता हूँ, जब हम नॉर्मली सैम करते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि जो मटेरियल है उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है? जैसे आपने सैम किया, सैम में पता लगा कि उसमें सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो ये कैसे सैम से कैसे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल है उसमें? हाँ वो मैं दिखाती हूँ, ये है जैसे यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये CNT दिख रही है, यहाँ पे सेकंड वाले में PDMS और GNP है, तो क्योंकि PDMS तो नीचे है ऊपर GNP है तो वो ग्रेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ग्रेन के प्लेस है, सिल्वर है जो छोटा पार्टिकल। नॉर्मली हम कई बार सैम में देखते हैं तो कई बार कैल्शियम पार्टिकल्स भी होते हैं तो भी वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, कैल्शियम पार्टिकल्स भी ऐसे दिखते हैं, तो कैसे पता चले कि ये सिल्वर है या कैल्शियम है या कौन सा मटेरियल है? नहीं फिर उस रमन का लिया तो रमन की पिक सिल्वर की उतने पे ही आती है। तो रमन एक सॉल्यूशन है। हाँ ये जो है ये जो ये वाली पिक जो जी और 2D है ना ये तो CNT और ग्राफिक जो छोटी पिक्स। थैंक यू मैम। समझ में आया या नहीं आया? रिसर्च लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट डेवलप करो इसमें। मैडम व्हाट इज वेदर द हंसी आ रही है कुछ लोगों को, हंसने की क्या बात है इसमें? मैडम इज देयर एनी लाइट ब्लीडिंग, आई मीन कैन बी रिड्यूस ब्लीडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द डायोड विद यूज ऑफ ग्राफीन? आई मीन इफ यू वांट टू टारगेट द लाइट, आई मीन एमिटिंग सरफेस से ब्लीड होने के लिए, आई मीन मेरे को समझ नहीं आ रहा इनका क्वेश्चन। कैन वी लाइट ब्लीडिंग है ना मैडम, डायोड का डायरेक्शन होता है इसी इस तरह से, हां वो ब्लीड हो जाए तो इज इट पॉसिबल टू रिड दिस? सरफेस एमिटिंग होता है, हमारा हम लोग सरफेस एमिटिंग LED नहीं बना रहे। ओके मैम, तो हमारा वो जो मल्टी क्वांटम वेल एक्टिव रीजन होता है हमारा गैन इन गैन का मल्टी क्वांटम वेल बनाते हैं, इंडियम गैलियम नाइट्राइड हमारा वेल रहेगा और गैलियम नाइट्राइड हमारा एज ए बैरियर लेयर रहेगा, वेल और बैरियर बनाते हैं, देखा होगा मल्टी क्वांटम वेल, तो वेल और बैरियर कैसा बन रहा है उनके बैंड गैप पे डिपेंड कर रहा है, तो इन गैन का बैंड गैप कम है तो आपका वेल बन जाएगा और गैलियम नाइट्राइड का बैंड गैप ज्यादा है तो आपका ऐसा बनेगा, तो वो मल्टी क्वांटम वेल बन गए, उस रीजन से जो आपका एक्टिव रीजन है वहां से आपकी लाइट एमिट हो रही एक्टिव रीजन। मैडम आपने लिथोग्राफी करा मैडम एन टाइप को जाने के लिए, हां do we reduce the intensity of UV light so that it will go up to that layer only? Nahi, wo UV light 365 nanometer fix equipment. Okay, how can we know that it will just go to that level of well only, to up to n? Uske liye hi masking karte na, uske liye masking banate hain. So totally it will not cut off totally, it just go up to usi mein jayega. Thank you. मैम आपने जो लेटेस्ट टॉपिक व्हाट यू आर डिस्कसिंग जेस्चर बेस्ड रोबोटिक आर्म, ये मेरा करंट प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल तक 2025 तक चलेगा। ओके 22 में मिला था। तो इन द सेम फंक्शनैलिटी वी वर प्लानिंग विद फ्यू स्टूडेंट्स दैट उन्हें व्हील कंट्रोल, वो व्हील चेयर्स होती है ना, दैट इज वॉइस कंट्रोल, सो कैन वी नॉट मेक दैट इन अ जेस्चर कंट्रोल व्हील चेयर्स, तो ग्रेफाइन से यूज करके लाइक इट विल बी टोटली सेंसिंग ऑन द बेस ऑन द ग्रेफाइन, जो फिंगर स्टिक में रहेंगे उनकी जो स्ट्रेच होगी ग्रेफाइन के बेसिस पे
सो उनसे उनका रिस्पॉन्स पता चलेगा कि whether we have to go forward or we have to stop with a gesture based. हाँ, उसके लिए वो बनाते हैं IR sensor बोलते हैं उसको, IR sensor उसके लिए. IR sensor बोलते हैं, तो graphic base बना सकते हो उसको. तो सर मैम, what will be the actual costing if we make over here? ये तो बहुत, आप rigid से compare करोगे तो ये तो बहुत simple है, बहुत कम पैसों में ही बन जाता है काफी. इसमें लगा ही क्या, एक्चुअली ग्रेफिन अगर आप बनी बनाई खरीद रहे हो बहुत कॉस्ट. मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेशन मेथड यूज किया जिसमें 60 रुपए की 1 किलो ग्रेफाइट शीट आ जाती है, सिर्फ 60 रुपीज की 1 kg ग्रेफाइट, यानी बहुत सारी शीट्स. तो ग्रेफाइट से ग्रेफिन बनाओ आपको बहुत ईजी पड़ेगा, और डायरेक्ट ग्रेफिन खरीदो कॉस्टली पड़ेगा. आप सर्च करो गूगल पे, पैसा दिखाएगा. मैं फॉर दैट एक्सपेरिमेंट आई हैव डन, वो ब्रीदिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ओनली खाली फॉर टेस्टिंग द रिस्पांस टाइम. तो एक मार्क्स में आपने सेंसर्स लगा करके इनहेल और वे किया था, दिस वन, या तो इसमें रिस्पांस टाइम्स के लिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं रिस्पांस के लिए नहीं, सिर्फ हमने 3 तरह के कंपोजिट बनाए थे, तो तीनों में से सबसे अच्छा रिस्पांस कौन सा सेंसर दे रहा है वो देखने के लिए, और जो ह्यूमन है उसकी ब्रीदिंग सही से हो रही है क्या. एक्चुअली ये एप्लीकेशन हेल्थ एप्लीकेशन के लिए काम आता है, ये कि हमारी हेल्थ सही है क्या, हम सही से ब्रीद कर पा रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है क्या, वो सब देखने के. ग्रेफीन का यूज करते हैं लिथियम बैटरी. एक्चुअली ग्रेफीन की एप्लीकेशन बहुत ही क्या बोलना चाहिए, वाइड है, बहुत वाइड है. सोलर सेल, फ्लेक्सिबल सोलर सेल हमने इतने बनाए थे, मेरी एक PhD स्टूडेंट रूबीना, उसके 3-4 पब्लिकेशन ग्रेफीन बेस्ड फ्लेक्सिबल सोलर सेल पे ही है. और जो आप बोल रहे हो लिथियम आयन बैटरी में, जो इन्होंने बोला अभी, आप हर जगह यूज कर सकते हो. और किसी को कुछ पूछना है? मैम हम अभी इनिशियल स्टेज पे ही काम कर रहे हैं एक्चुअली. मैम जैसे आपने बताया कि सोलर सेल्स में भी आपने ग्रेफीन का यूज किया, तो मैम उससे क्या चेंजेस क्या है मैम, उससे एफिशिएंसीज में या टेम्परेचर में? हाँ, एफिशिएंसी सिलिकॉन से कम आती है, उसमें अच्छी नहीं आती सिलिकॉन. हाँ, कंपैरेटिव सिलिकॉन अच्छा एफिशिएंट है. और मैम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर टेस्टिंग नहीं करी. हाँ, और कोई कुछ? हाँ, मेरा एक मैम डाउट था इससे रिलेटेड. डाउट क्या मैम, मैं क्यूरियस में हुआ कि हम जैसे कि हम रिजिड सिस्टम देख रहे हैं, ये हार्ड सिस्टम, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर कि ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे सभी? आ रहा है मोबाइल, कई चीजें अभी फ्लेक्सिबल आ चुकी है. हाँ, आ रहे हैं काफी सोलर पैनल्स आ रहे हैं, कई चीजें आ रही हैं जो फ्लेक्सिबल. हाँ, वो फ्लेक्सिबल ही होते हैं, वो फ्लेक्सिबल जिसको आप बेंड कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल. ये और thank you ma'am for your words of wisdom. Now I request our FDB coordinator to kindly present a memento as a token of appreciation to our renowned guest.
Thank you, ma'am. Now it's time for a tea break. I request you all to kindly proceed for the same, after which we shall continue with the practical session.